कोतवाली थाने में पदस्थ एक आरक्षक पर अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए यादव तो समाज के प्रतिनिधि मंडल ने एसपी के नाम एडिशनल एसपी को शिकायत सौंप कर कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली थाने में पदस्थ एक आरक्षक के विरुद्ध यादव समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने एडिशनल एसपी सिटी प्रियंका शुक्ला को एक शिकायत पत्र सौंपा है। समाज के प्रतिनिधियों ने आरक्षक राहुल चौरसिया पर खारी विसर्जन कर लौट रहे एक परिवार के साथ अभद्रता, गाली गलौज करते हुए जातिगत रूप से अपमानित करने का आरोप लगाते हुए आरक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। पीड़ित रजनीश यादव और समाज के युवाओं ने बताया कि पुलिस आरक्षक ने यातायात जांच में फंसे उनके परिवार और बुजुर्गों के साथ अभद्रता की, गाली देते हैं, बहुत ही गंदी गाली से उन्होंने उच्चारण किया और बोलते हैं साइड हो जा नहीं तो तेरे को अभी बेटा अंदर कर दूंगा, जी कर दूंगा। चूँकि हम लोग पीछे थे, ना आगे जाने का कोई रास्ता था ना ही पीछे जाने का कोई रास्ता था, तो मैंने बोला भैया थोड़ा सा रास्ता मिल जाता तो मैं साइड हो जाऊँगा, पर उन्होंने बोला, फिर मैंने बोला कि हम लोग खारी से लौट रहे हैं, हम लोग यादव परिवार से, तो बोलता क्या करूँ मैं, तू यादव परिवार से है तो, और समस्त यादव परिवार को भी उन्होंने गाली दी। तो फिर मैंने उनसे कुछ नहीं बोला, एकदम हमारे साथ भी बहुत बुज़ुर्ग लोग थे, सभी लोग एकदम धर्म सहम गए, तो फिर हम लोग कुछ नहीं बोले। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनको निलंबित कर दिया जाए। उनको बताया भी जा रहा है कि खारी विसर्जन करके लौट रहे हैं हम लोग, उसके बावजूद उन्होंने एक भी बात नहीं सुनी और गालियां दी, और ये भी बोला कि हम अलग अलग केस दायर कर देंगे, जाति को भी, हमारे जो यादव समाज है समाज का भी उनने नाम लिया, तो समाज के प्रति भी उनने मतलब गलत वर्ड यूज़ किए, तो हम चाहते हैं कि उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, इसीलिए हम लोग यहाँ समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। आज हम लोग एसपी कार्यालय में एकत्रित हुए हैं। एडिशनल एसपी सिटी प्रियंका शुक्ला ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इन आरोपों की जांच कराई जाएगी और अगर दोष साबित हुआ तो आरक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कि जब ये खारी घाट से लौट रहे थे तब कोतवाली थाने में पदस्थ एक स्टाफ के द्वारा इनसे अभद्रता की गई है, इसमें जांच की जाएगी और अगर वह दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित ही उनके खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। समाज के लोगों ने पुलिस अधिकारियों से आरक्षक के निलंबन की मांग की है।